बड़ी खबर है जहां अकोला रेलवे स्टेशन में 6 दिसंबर को ही यात्रियों के साथ पुलिस की बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। दरअसल 6 दिसंबर को महापरिनिर्माण मानकर लौटे यात्रियों को अपने गांव में जाने के लिए रात के समय कोई वाहन नहीं मिल रहा था, जिसके बाद यात्रियों ने स्टेशन परिसर में ही रात गुजारने लगे। स्टेशन परिसर में रुके यात्रियों के साथ जीआरपी के एक कर्मचारी द्वारा बदसलूकी की गई। पुलिस कर्मियों के द्वारा की गई बदसलूकी मामले को लेकर पीड़ित यात्रियों का आरोप है कि जीआरपी द्वारा अब तक ऐसे कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर यात्रियों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए भीम आर्मी मैदान में उतरी है। उनकी मांग है कि सीसीटीवी फुटेज जांच कर जीआरपी कर्मचारियों को निलंबित किया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। हालांकि इस मामले में जीआरपी के थानेदार अर्चना गाढ़वे से ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट आज नागपुर भेज दी जाएगी और इसी के बाद आगे की कार्रवाई होगी। किया तो मैडम ने बोले आप निश्चित रहो, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी। सुबह में जितनी भी जैसा जो भी तकरार है मैं सुबह एफआईआर दर्ज करूंगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद मैं आपको फोन करूंगी। मैडम ने अभी लोगों एफआईआर दर्ज करे नहीं और अभी लोगों सिर्फ आश्वासन दे रहे। हाँ मैंने एसपी मैडम को भेज दी ऐसा वैसा। वहाँ से 12:30 बजे बैठे गाड़ी में, तो यहाँ 1 बजे बैठे, 1 बजे उतरे। तो उतरने के बाद हम कैसा नींद आई, गाड़ी में कुछ नहीं थी तो हम वापिस सो गए। तो सोने के बाद कैसे नींद आ गई, तो एक पुलिस वाला आ गया और पुलिस वाले ने क्या बोले कि तुम यहाँ काय के लिए सो रहे। हाँ तो हमने बोला गाड़ी नहीं बुआ 6 दिसंबर को। हाँ या सोना नहीं, किधर भी जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे को किसी कोटे में रख दो, ऐसी बात की उसने गंदी गंदी। फिर हमने बोला तुम ऐसी क्यों बात कर रहे, तुम हमारे सर्वेक्षण के लिए है ना। तो उसने बोला हाँ, तो ऐसा बोलने के बाद उसने लाठीचार्ज की। लाठीचार्ज करने के बाद हम जब उठे तो उसके पीछे भागे, तो वो ऐसा दौड़ा कि वो सब पुलिस वाले ने उसका सगाई किया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शाहिद इकबाल जुड़ चुके हैं। शाहिद, क्या पूरा मामला है और यात्रियों की क्या कुछ मांग है? जी शाहिद, क्या पूरा मामला है? जी 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 उदय जी, ये मामला ऐसा है कि 6 दिसंबर का महापरिनिर्वाण दिन जो था, उस दिन जो लौटे हैं वहां से भीम सैनिक, तो उनके साथ में ये हुआ है कि रात में जब ट्रेन आ गई थी और ट्रेन जी हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ शायद जी, रात में जब ट्रेन आई है तो ट्रेन आने के बाद में क्या हुआ है कि जो यहाँ से कुछ गांव में रहते हैं लोग जी, तकरीबन 150 से 200 लोग, वो जा नहीं पाए क्योंकि रात में उनको किसी तरह प्रकार का कोई साधन नहीं था अपने गांव जाने के लिए जी। तो उन्होंने रेलवे बुकिंग ऑफिस के पास ही यानी आराम करने की सोची छानी। 2 बजे रात के समय की बात है कि एक पुलिस वाला है जी, उसका भी नाम जानकारी वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो जो जीआरपी में है उसने इन लोगों को ड्यूटी के समय ये कहा है कि आप यहाँ से उठिए और यहाँ भीड़ ना कीजिए। लेकिन इस वक्त इस समय ये हुआ है कि ये मामले में इन लोगों का आरोप यह है, यात्रियों का, इन्होंने हमारे साथ में बदतमीजी की है, हमें मारा है और हमें गाली गलौज किया है। और इन लोगों का ये भी मैं एक आरोप लगाया कि ये नशे में भी था, ऐसा यात्रियों का कहना है। तो इसको लेकर काफी वहां पर आक्रोश जमा हुआ, काफी भीड़ हो गई और जिसके बाद पुलिस जीआरपी पुलिस थाने पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद लेखित तकरार जीआरपी के थानेदार अर्चना गाढ़वे को दी गई। अर्चना गाढ़वे ने कहा कि मैं इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से इसमें आपकी इंक्वायरी करती हूँ और ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं जो इसके जो लोहा मार्ग का एसपी है उन तक ये पूरी रिपोर्ट पहुंचाती हूँ और उसके बाद वो क्या एक्शन होता है वो आगे का आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो भीम आर्मी का कहना ये है कि इसमें किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसमें ढिलाई बरती जा रही है और उस कर्मचारी को, जीआरपी के कर्मचारी को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर अभी आक्रोश नजर आ रहा है और इसमें एक बड़ा आंदोलन होने की चेतावनी भीम आर्मी ने दी है। यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है फिरोज पठान, इन्होंने भी इस मामले को लेकर गंभीरता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि यदि इसमें दोषी पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो इसमें आंदोलन करेंगे। जी इकबाल, धन्यवाद आपका इस खबर पर देख के जानकारी के लिए।
आपको बता दें कि यात्रियों के साथ ही बदसलूकी का ये पूरा मामला है और इस मामले को लेकर भीम आर्मी ने भी चेतावनी दी है कि अगर सही तरीके से और उचित तरीके से कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे मामले को लेकर आंदोलन किया जाएगा।